एक मिनट आपके नाम दे। हमारे सैयद सादिक साहब हैं, उनके वालिद साहब हैं। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि सैयद सादिक हमारे अमान नगर ए तालाब कट्टे के रहने वाले थे। इनके वालिद और इनका पूरा ख़ानदान हमारे एमबीटी के बहुत पुराने मरहूम गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान के साथ के लोग हैं ये। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि इनके फर्जंद जो है कहीं बाहर जाने की कोशिश में थे। उस दरमियान में इन्हों एक अरशद नामी अत्तापुर पे रहता एजेंट से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद में 1,00,000 रुपये पैसे दिए, देके उसको बाहर जाने के लिए कोशिश किए। तो एजेंट जो है इनको कोई हेल्पर के जॉब पे मैं भेजता हूँ बोलकर अल रियाद भेजा। रियाद से कफील आके इनको अलहसा लेके गया, अलहसा से कुरैश लेके गया। वहाँ पर जाने के बाद में ऊँट चराने के लिए, कैमल्स ऊँट चराने के लिए इनको वहाँ पर रेगिस्तान में छोड़ दिया। तो पहले तो 1-1.5 महीने तक इन्हों अपनी फैमिली से कांटेक्ट में थे। बाद में ये हुआ कि इनका फैमिली से इनका कांटेक्ट कट गया। कटने के बाद में तकरीबन 11 महीने तक फैमिली से कांटेक्ट में नहीं थे। इनके वालिद बहुत परेशान थे, पूरा अफराद ख़ानदान परेशान थे। बीच में अचानक क्या हुआ कि वहाँ पर कुरैश में हमारे हैदराबाद यानी बंदलागुड़ा और मोइन बाग के कुछ लोग हैं जो वहाँ पर काम करते। एक मुकाम पे ये लोग पूरे कहीं एक छोटी सड़की होटल है जहाँ पर दोपहर का खाना खाते ये लोग, वहाँ पर मुकाम पे जाकर जमा होते। तो वहाँ पर क्या हुआ, इत्तेफाक से इनू जो है वो हैदराबाद के लोगों से इनकी मुलाकात हुई। तो इनकी ये हालत हो कर गया था वहाँ पर कफील। 11 महीने इनको ना पानी नहाने दिया ना बाल कटाने दिया। तो उसके बाद में ये हालत में इन्हों वहाँ पर मिले थे। देखिए आप, ये हालत हो गई थी इनकी। तो वहाँ पर ये फ़ोटो जो है वो जो हमारे बंदलागुड़ा और मोइनबाग के लोग हैं इनके वालिद को लाकर ये फ़ोटो दिए। रमज़ान में वो लोग छुट्टियों पे आए हुए थे, इनके वालिद को लाके फ़ोटोज़ दिए। देने के बाद में इनके वालिद मेरे पास आए। आने के बाद में मैं समझता हूँ कि 6 अगस्त के दिन मेरे पास आए थे ये लोग। हम 7 अगस्त के दिन सुषमा स्वराज मैडम को इनके बारे में पूरी कहानी लिखे कि पहले बच्चा ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया और 11 महीने से लापता है। सुषमा स्वराज मैडम के ने इंडियन एम्बेसी रियाद में रिपोर्ट तलब करे इसके ऊपर। बाद में ये हुआ कि वहाँ पर जो हैदराबादी लोग काम कर रहे हैं इनको, क्योंकि इनके पास अखामा नहीं था, इन्हों कुरैश से रियाद भी आना इनके लिए बहुत मुश्किल था। कैसा कि किसी ने एक साहब ने मदद की इनकी, इन्हों कुरैश से अलहसा से होते हुए रियाद इंडियन एम्बेसी को आए। वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में आने के बाद में वहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी के जो वॉलंटियर्स है ये लोग ले जाकर इनको इनका केस एडमिट किए। एडमिट करने के बाद में इनको वहाँ पर ताहिर बिन जाफर नामी एक शख्स जो होटल चलाते हैं और ग्रेटर तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन भी चलाते वो लोग, उनके पास रखे। जनाब ताहिर साहब इनको 1 महीने तक वहाँ पर रखे, इनकी मदद किए, इनको बेचारों को खाना वगैरह दिए, रूम दिए इनको। उसके बाद में वहाँ पर एक वकील को भी ठहरा के कफील से इनके वहाँ पर कार्रवाई करके बड़े मुश्किल से वहाँ पर इनका टिकट करवा के इनको वापस भेजे। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर ये लड़का जो 11 महीने वहाँ पर काम किया, 1 रुपया भी बेचारे को सैलरी नहीं दिए। और 11 महीने की सैलरी इंडियन करेंसी में तकरीबन 2.5 लाख रुपये होते हैं वो। और जो एजेंट इनको चीट करा, 1 लाख रुपये लिया, उसके 3.5 लाख रुपये इनका नुकसान हो गया। बड़ी मुश्किल से यानी ना इनका बच के आना वहाँ से नाउम्मीदी थी। जो लोग भी इनके लिए कोशिश करे, जो दुआएं किए, मेरा फेसबुक पोस्ट देखने के बाद में जो लोग इनके लिए दुआएं किए इनकी रिहाई के लिए, हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ास तौर पर सुषमा स्वराज मैडम का और इंडियन एम्बेसडर जो हमारे जावेद साहब हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी इंडियन एम्बेसी स्टाफ का, जितने भी वॉलंटियर्स इनके लिए काम करें उनका, और तमाम लोग जो भी इनके लिए ख़ास तौर पर इनको जो रखे वहाँ पर जो इनके साथ, हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन
ये वीडियो मैं इसलिए हम इनको ये मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग बाहर जा रहे हैं तो ऐसे चीटर जो एजेंट्स हैं उनसे होशियार रहने के लिए हमारा मकसद है। रैन बाजार इंस्पेक्टर और DCP साउथ जोन से मैं मुतालबा करूँगा कि जो एजेंट है अरशद उसको गिरफ्तार करके इनके जो मासूम के 1 लाख रुपए वो रिकवर कराना, और इंडियन एम्बेसी से मेरी गुजारिश है कि वो जो 2.5 लाख रुपए 11 महीने की तनख्वाह इनका कफील नहीं दिया, 3 मरतबा इनको मारने की कोशिश किया, 2 मरतबा सर पे मारा, 1 मरतबा इनका नल्ला मत दिया, तो और जो ये हालत एक हिंदुस्तानी की हालत तमाम हमारे लिए बायसियत फिक्र है और शर्म की बात है कि हमारे एक बच्चे की, हैदराबादी बच्चे की ऐसी हालत कर दी है। मैं हमारे KT रामाराव साहब जो मिनिस्टर फॉर NRI डिपार्टमेंट है तेलंगाना, उनकी तरफ से भी एक नोट गया था यहाँ से चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना की तरफ से कि बच्चे को बचाने के लिए, वाकई काबिल मुबारकबाद हैं तमाम लोग जितने भी काम किए हैं। जो लोग बाहर जा रहे हैं मेरा उनसे मुतालबा है कि रिकग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू ही आप लोग बाहर जाइए। जब आपको वीज़ा आएगा तो आजकल सारे वीज़े जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप, वो वीज़ा चेक करिए, हेल्पर का वीज़ा, हाउस ड्राइवर का वीज़ा, खदामा का, ये फ्री होता है, एजेंट को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एजेंट पैसे मंग रहा तो समझो आपको चीट कर रहा है। मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं नाम सैयद अलीउद्दीन है, मेरा बच्चे का नाम सादिक है, सैयद सादिक अमान नगर, ये एजेंट मिला था, खुद मिलके बोला लेबर का काम है, 1 लाख रुपये जो बोला तापुर में अच्छे थे, ले आके ऊँटा में डाला, डाल के इसको तीनों को सिर पे मारा, फिर पीटा में मारा, मार के दिमाग का तमाम जो ख़राब हो गया, बहुत परेशान ये हालत करवा ले लोग, पूरा हालत ख़राब करा ले, उसके बाद ऐसा होगा बच्चा मेरा पूरा पागलों का, खाना नहीं पानी नहीं आना, मारना करें चले आना, 15 दिन को खुद खाना देता था, दाल चटनी देता था, मारता था चले आता था, 11 महीने की तनख्वाह भी नहीं दिया, एजेंट बोला लेबर का काम है, मजरे में पानी डालना है, करना है, 1200 रुपया तनख्वाह, अच्छा बच्चा अच्छा कफील है, जो मेरा जुम्मे के दिन आता खाना वाना चाहिए बना के देना चले आता, बोल के 1 लाख रुपया अच्छा दिया अतापुर में थे, उसके बाद नई जिंदगी है मेरे बच्चे की, मेरे बच्चे को बहुत परेशान करा ले कफील, अरशद में भी बहुत पैसा को ले लेके पूरे आ जाता हूँ, कल आता हूँ, परसों आता हूँ, बोल के फिर आता अरशद। आपको कैसा इतला मिली आपके बच्चे की? वो एक मोइन बाग के है अत्तापुर, वही याकुतपुरे के दुरिंदने हैं, ला के फोटो दिया, हम बच्चा तुम्हारा ऐसा परेशान है, ऐसा परेशान है, उसके बाद बच्चे को जल्दी से जल्दी बुला लो बोलते हैं, उसके बाद फोटो ले लेके अहमदुल्ला खान साहब के आके पूरा रिपोर्ट बता के करके सुंदर सिराज को भी भेजे, फिर KTR को भेजे, उनका पूरा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं MBC का भी शुक्रिया करता हूँ, खालिद अपने अहमद भाई वो कौन कौन है MBC में उनका पूरा का कितने मेरे बच्चे को सपोर्ट करे, मैं बोल रहा हूँ कमिश्नर से आपसे DCP सबसे मेरा 3.5 लाख रुपये ले लिए, ये पैसा नहीं है, मैं सोना भेज डाला, बेच के बच्चे को भेजा, एक मारा मार के करके भेजा, पूरा मेंटल कर डाला, कौन भी मदद नहीं करा, एजेंट के खिलाफ कंप्लेंट करे ले आओ कर डाला, FIR बंद कर रखा बच्चे की, दिमाग ही कमजोर होगा, तो डॉक्टर बोला वो एक्सरे लेना दिमाग के करके 10,000 रुपये एक्सरे करते, बोला बच्चा कल आया, उसके बाद अहमदुल्ला खान साहब के आके सुझिया पूरा का कितने मेरे बच्चे को हेल्प करे, पूरे मुसलमान भाई भाईना पूरे दुआ करे, सबका गौरव भाई एजेंट से पहले पूरा मालूम करके फेक से अखबार में देख के करके देख के जाओ भाई, पैसे नको तो ले आते हैं, बोलते हैं काम एक ले आके गए जगड़े में डालते हैं, उधर चले आते हैं मार के फेंक डालते, पता नहीं चलता, मैं पूरा उनका शुक्रिया